अभी हम लोग विज्ञान भवन के अंदर हैं और यहाँ पे स्वदेश कॉन्क्लेव फंक्शन हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और आज का जो हमारा टूर होने वाला है वो दिल्ली के ऊपर होने वाला है। आज हम फिर से दिल्ली जा रहे हैं स्वदेश कॉन्क्लेव में, जो कि विज्ञान भवन में वहाँ इनवाइट कराया गया था, तो वहाँ जा रहे हैं। और घर से 50 रुपये मिल गए आंटी जी से, 50 रुपये से शुरुआत हो गई है। जल्दी आ जाओ भाई। तुम्हारे को कितने पैसे मिले? 50-50 और खुले ले लिया, अपने लिए रास्ते में खाओगे नहीं कुछ। हाँ हाँ, रख लिया। चलो टेक करो, देख लो यार भाई, लाइसेंस कागज वगैरह सब रख लिया। कागज लाइसेंस रख लिए, चार्जर रख लिया, चार्जर सब रख लिए, चार्जर खुली ना तो ना चार्जर, मैं तो चीज रख लिया है, चप्पल भी रख लिया है, तो पेट्रोल भरवा लिया है। अब यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे पहले रुद्रपुर, फिर काशीपुर, फिर दिल्ली, ऐसे ही करते हुए सारे सफर शुरू होते हैं। अभी मैं उतरूंगा भी कार से, देखो क्यों उतरेगा, हवा भरवाऊंगा, हवा भरवाना, हाँ हवा भी भरवानी है अभी यार। एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई आगे, कुछ स्टूडेंट्स ने शायद पेपर की वजह से पता नहीं क्या वजह धरना दे रखा है, तो पूरा रोड जाम कर रखा है। अब बहुत सारा ट्रैफिक लगा पड़ा है, पीछे से अगर यहाँ रुके तो मुझे तो लग रहा है 3-4 घंटे बर्बाद हो जाएंगे। अब फिर से मुड़ के जा रहे हैं वापस से, आगे से एक रूट बताया एक भैया ने, देखते हैं वहाँ से किस तरह निकल पाएंगे। तो आगे से कहाँ से बताया इन्होंने रास्ता? आगे पुल है जो पुल से कट है। अच्छा, किस साइड में? लेफ्ट राइट, यही वाला होगा ये भाई। पता नहीं कहाँ से कोई अंदर वाला रूट ले लिया हमने। अब यहाँ पे सब जगह पानी पानी हो रहा है और सभी लोग फंसे पड़े हैं, यहाँ पीछे तक जाम लगा पड़ा है सारा का सारा। और आज तो फंस गए यार बहुत गंदी तरह। भैया गाड़ी पे मत गिर जाइए यार, एकदम गाड़ी पे गिर रहा है बंदा, बहुत लंबा जाम लगा पड़ा है। सामने से भी गाड़ियां आ रही हैं, मतलब उस साइड पूरा का पूरा रूट जाम कर रहा है भाई। जाम में से निकल गए और हम खाना खाने आ गई। इसने कहा कि व्लॉग बना ले, तो मैंने कहा ठीक है व्लॉग चालू करता हूँ। ये जूते बांध रहा है, ये गाड़ी खड़ी है, ये दोस्त खड़े हैं। इतने सारे जाम से निकलने के बाद फाइनली एक ढाबा मिला है, अब यहीं पे बैठ के कुछ खाना पीना खाएंगे। बहुत तेज भूख लग रही है और दिल्ली पहुंचने में भी लग जाएगा, लगभग 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा, समथिंग 90 किलोमीटर तो अभी रह गया है यहाँ से। देखते हैं थोड़ा खाना पीना खाते हैं फिर दिल्ली चलेंगे। अब हम लोग जो है वो टॉयलेट जाने वाले हैं, अंदर का व्लॉग जरूर लेना, अंदर का व्लॉग बहुत जरूरी है। आइए छोटू मिरर सेल्फी ले लूं, मिरर सेल्फी ले अभी सब खाना हमारा आ चुका है। आज हमने खाने में करवाया है दाल चावल और राजमा, और ये तंदूरी रोटी भी करवा ली है। ज्यादा हैवी खाने का मन नहीं था, हल्का ही खाने का मन था। अच्छा, तो दाल चावल तंदूरी रोटी राजमा और उसके बाद हल्का खाने का मन तुम्हारा? हमारा हल्का खाने का मन होता था, ऐसे ही खाते हैं। भारी भी क्या खाते हैं, देखो मखनी भी नहीं लगाई इसमें। हाँ इतना हल्का है, इतना हल्का है कि मखनी भी नहीं लगाई है। बस खाना पीना तो खा लिया है और शॉप भी मार ली है फ्री की। अरे ये तो परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन में आता है हमारे। बर्तन अलग से धोने पड़ते हैं, अभी धोने पड़ जाते भाई बर्तन। तेरा नेट नहीं चल रहा और मेरे उसमें वो नेटवर्क ही नहीं आ रहा बिल्कुल ही। वासु ने करे, वासु ने, इसका कर्जा चढ़ जाएगा मेरे सर पे, तुम समझ नहीं रहे हो। चलो यार पेट ज्यादा ही भर गया, कोई एक्स्ट्रा ही खा लेते हैं हम लोग, खाने पीने में ज्यादा ही आ गए हैं कुछ। अब वापस अपना दिल्ली का सफर शुरू करते हैं। लोग सफर शुरू हो गया, खोल भाई। एक बंदा गेट खोलने वाला भी रखो यार, गेट खोलने वाला है ये 1200 रुपए तुमसे दिए नहीं जा रहे। गेट खोलने वाला बंदा जी है तुम्हें। मैंने एक चीज नोटिस की है, इंसान ना हिंदुस्तान का इंसान पुलिस देख के घबरा जाता है, पुलिस से जबकि पुलिस सेफ्टी के लिए, पुलिस सेफ्टी के लिए भाई, पुलिस अच्छी चीज है, आप प्यार से रख। सच बोलो अच्छा लगता है। नहीं, सच बोलो। अरे वो तो यार देख, जब दिल में चोर होता है तब पुलिस से डर तो लगता है। ठीक से करो, ठीक से काम। गाड़ी में वाइपर वाला क्या होता है, पानी पानी खत्म हो गया, पानी डाल रहे हैं यार। पता नहीं कब पहुंच गए यार अपने, तो लगभग पहुंच ही गए, आधे घंटे का और रास्ता बचा है। हापुड़ तो पहुंच चुके हैं, अब इसके बाद सबसे पहले तो हम लोग गाजियाबाद जाएंगे, फिर से उनके दोस्त लोग घर में जा रहे हैं, फ्री की रोटी तोड़ने चले जाते हैं। लोग तोड़ने चले जाते हैं भाई, दोस्त लोग हैं, भाई लोग हैं बड़े, ऐसा लग रहा है उन्होंने फ्लैट हमारे लिए ले रहा है। मत चलाओ, नींद आ रही है? हाँ मेरे को आती। अरे भाई मेरे को नींद नहीं आती, तू मुझे देख, मुझे देख तो नींद नहीं आएगी। तेरे को देखता तो नींद नहीं आती, तेरे को देखता तो गुस्सा आता है ना, अंदर की नवरत पैदा हो जाती है, नींद भाग जाएगी। लगा सॉफ्ट यार, लगा सोने दे। सबसे पहले तो हम लोग गाजियाबाद ही जाएंगे, उसके बाद जाएंगे दिल्ली विज्ञान भवन। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते कोटी बंगले वाले। हाँ यार देख रहा हूँ,
25,000 रुपए अपने यहाँ पे सैलरी होती है जिसकी, वो नहीं रही गिनी नहीं जा रही, जैसे कह रहा है ये हमसे गिनी नहीं जा रही इसमें रहते हैं। क्यों गुर अपने यहाँ पे इनकी 25,000 सैलरी होती है, आराम से लाइफ जीता है भाई। वो ऐसे करते हैं हमने, ये 25,000 का एक रूम है यार यहाँ पे, एक फ्लैट है। या ये इतनी सारी ग्रीनरी कैसे है यहाँ पे यार भाई? है तुम लोग क्या समझते हो यहाँ गाजियाबाद को, जिला गाजियाबाद वो तो ठीक है। अच्छा पिक्चर भी बनी थी एक, जिला गाजियाबाद ये है जिला। सोसाइटी में पहुंच गए फाइनली, अब दोस्तों के लिए गिफ्ट भी ले लिया, उनका फेवरेट उनको देंगे, वो भी एकदम देना उछल जाएंगे, खुश हो जाएंगे गिफ्ट को, गिफ्ट को देख क्या दे दिया हमें तुम लोगों ने। चलो फिर आ गए हैं, उतरते हैं भाई साहब। हां उतरो रे। हेलो प्रियांशु भाई, फिर से आगे परेशान कर रहे हैं, ठीक लग रहा है? बिल्कुल मजा आ रहा है भाई, बड़ी खुशी हुई तुम्हें देख के, चेहरे पे क्यों नहीं दिख रही है? कहना पड़ता है ना। टाइम हो रहा है 8:17, प्रियांशु भाई के घर थोड़ा आराम आराम किया वहाँ पे, क्योंकि फील तो इन्हीं के घर पे आता है। अब इसके बाद हम लोग जा रहे हैं गुड़गांव, वहाँ पे भी इनका एक फ्लैट है, बहुत अमीर लोग हैं, तो अब उस वाले फ्लैट पे जाएंगे और वहीं रुकेंगे और कल फिर जाएंगे विज्ञान भवन। तो हम लोग प्रियांशु भाई के दूसरे फ्लैट में आ चुके हैं जो कि गुड़गांव में है, और इसमें दो कमरे हैं, एक तो ये है और दूसरा ये है। ये तो सारे पहले ही लग गए भैया, चादर वगैरह बिछा रहे हैं। और वासु कैसा लग रहा है? और ये है इसकी बालकनी जो कि मैं आपको सुबह दिखाऊंगा अच्छे से, यहाँ से कोठी वाले कमरे में आके कैसा लग रहा है? मैं तो आता रहता भाई, तुम ही पहली बार आए। अरे कब से तुम ही पहली बार आए हो ना, तो तुम्हें लोगों को पता नहीं है कैसे आया जाता है, क्या होता है। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी सुबह के 7:30 बज चुके हैं और हम सब लोग उठ गए हैं विज्ञान भवन जाने के लिए, अब इसके बाद रेडी होंगे। आलसी हो सुबह उठ के फोन चलाने लगे हैं? काम ही नहीं और कुछ। ठीक है अंकुर, उस दूसरे वाले रूम में है छोटू। अरे मैं हाफ में हूँ पागल, मैं हाफ में हूँ, मेरी वीडियो खाली बनियान तक बना, ठीक है? नीचे तो भेज नहीं, थोड़ा सा लेट हो गया और जल्दी कपड़े पहन रहे हैं। ओके तो स्वदेश कॉन्क्लेव के लिए हम दोनों रेडी हो चुके हैं, हम दोनों ने एक जैसी ड्रेस बनवाई थी, ब्राउन शर्ट एंड ब्लैक पैंट। एक तो फॉर्मल पहनने की आदत नहीं है, तो मैं तो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ और पेट अंदर करके खड़ा हो गया इसका। ये चीज भाई बाहर आ गई ना एक बार भी तो बहुत अजीब लगने वाला होगा। तो अब बस यार थोड़ा खाना भी ले आया वासु, इसको थोड़ा सा खाते हैं। यार भाई मैं नहीं खा रहा, मैं सुबह से नहीं खा रहा हूं। जिसमें कल रात हम रुके थे, इस घर की स्पेशलिटी बताऊं मैं, हमने ले रखा है एक्चुअली, यकीन नहीं आ रहा आपको, क्या लिखा है? डुग्गल हाउस, ठीक है ना? तो ये घर हमने बाय कर लिया गुड़गांव में, हमारी कैब आने वाली है, वैसे गड्डी भी है बट हमें रास्ते इतने पता नहीं होते, कल भी भटक गए थे बहुत सारा हम लोग, तो उतना कैब वाला आएगा आराम से, वही छोड़ के आएगा। तो हमारी कैब तो आ गई। अरे साहब जी पीछे हो गए, तो कैब मिल चुकी है, तो भैया जितनी जल्दी हो सके पहुंचा देना। टाटा। हम लोग विज्ञान भवन के अंदर हैं और यहाँ पे स्वदेश कॉन्क्लेव फंक्शन स्टार्ट हो गया है, लगभग आधा कंप्लीट हो गया था और अभी थोड़ा सा हम रेस्ट के लिए बाहर आए, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ ये सारा। स्वदेश कॉन्क्लेव के ऑडिटोरियम की एंट्री, एक मोड़ आया, मौत दिल छोड़ आया। यार अभी टाइम हो रहा है 6 बज गए और स्वदेश कॉन्क्लेव फंक्शन खत्म हो चुका है, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके, मज़ा भी आया हम लोगों को काफ़ी, और हाँ कुछ जगहों पे तो बोर भी हो गए थे
बट फिर उदित नारायण जी वगैरह आ गए तो थोड़ा दिल लग गया, दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया उनको सुनकर तो यार, उनसे तो मतलब सामने से उनको लाइव देखा तो बड़ा अच्छा लगा हमें। पहली बार सारी सच्चाई फूल मिट्टी खोल दिया कर यहीं से, ठीक है काफी। आज का ब्लॉग बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहो और इंजॉय करो, बाय बाय। क्या